मैं भारत के सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कथा प्रारंभ करूं उससे पहले आग्रह करना चाहता हूं, उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। पढ़ाई में एक आध क्लास पीछे भी रह जाए तो काम चल जाएगा, पैसा 10-20 हजार रुपए कम कमा ले तो भी काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा पद पे न बैठ पाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके बच्चे संस्कारी नहीं हुए तो कभी भी काम नहीं चलेगा। ना अके वो डूबेगा बल्कि हमारे वंशजों को भी ले डूबेगा वो। इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रारंभ में ही चर्चा करते हैं अभी अभी नई घटना जो सामने आई है उसकी। श्रद्धा, एक बच्ची का नाम है श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। कितने, जोर से बोलिए। अगर हाथ पांव गर्दन ये भी अलग अलग करते तो 7-8 में सिलट जाता मामला। 35 किए गए, कितने, रीजन क्या था? आजकल बेटियां ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, जो ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, मैं व्यास पीठ से कहना चाहता हूं जो ब्लड में अच्छाई या बुराई रहती है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती है। आप उस क्रूरता के बारे में सोचिए कि 35 टुकड़े किए, और ऐसे ही नहीं फ्रीज में 18 दिन रखा और एक एक टुकड़े को एक एक जगह पर फेंकने 18 दिन लगा रहा। 35 दिन पूरे हो जाते शायद निकल जाता वो दिल्ली से। नाम था उस महानुभाव का आफताब। क्या नाम था जिसने 35 टुकड़े किए? और मुझे तकलीफ जानते हो किस बात की है? सेकुलर लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। जो अपने आप को सेकुलर कहते ना वो इस समय बैंक बैलेंस में अंदर अकाउंट में छुप गए। अब उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सनातनी बेटी थी ना, मर गई मर गई। इसमें क्या, 35 ही टुकड़े तो हुए हैं, हो जाने दीजिए। अगर यही घटना किसी और धर्म के बच्चे के साथ होती 56 कंट्रियां एक साथ खड़ी होती। और तुम्हारे यहां की बेटी पाकिस्तान में भी काट दी जाती है, बांग्लादेश में भी काट दी जाती है, इराक अफगानिस्तान इत्यादि हर जगह काट दी जाती है, अब तो हिंदुस्तान में भी काटी जा रही है, गोली मारी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन यहां बोलने वाला कोई नहीं है, यहां नहीं बोलेंगे। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो मानव नहीं है, वो डरपोक है, वो डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे सनातनियों के साथ तो हमारी कुर्सी खिसक जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेगी। अरे वोट तो तब मिलेगी ना जब तुम जिंदे रहोगे, तुम्हारा संस्कार जिंदा रहेगा। जब तुम कहीं के रहोगे नहीं तो तुम्हें वोट कहां से मिलेगी? घर में से निकाल निकाल के बहन बेटियों को ले जाया जाता है, उनसे बातें की जाती हैं, मोबाइल फोन पे, मोबाइल शॉप पे, स्कूल में, कॉलेज में, और न जाने कहां कहां, हर जगह हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। हे देशवासियों, याद करो महाभारत का युद्ध सिर्फ द्रौपदी की लाज बचाने के चक्कर में हुआ था, रामायण का युद्ध मां भगवती सीता के लाज के लिए हुआ था, और आज वही लाज सरेआम लूटी जाती है और कोई बोलने वाला नहीं है। बोलेंगे तो कुर्सी खिसक जाएगी, बोलेंगे तो हम किसी के दुश्मन हो जाएंगे। अरे साहब, बेशर्माई से जीने से तो अच्छा है कि शान की मौत स्वीकार करो, सम्मान की मौत स्वीकार करो। मरना तो है ही है ना एक दिन, तो बेशर्म जीवन जीकर क्या करेंगे, सम्मान की मौत से मरे ना।
मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बदला लीजिए, पर इतना जरूर कह रहा हूं अपने बच्चों को इतने संस्कार दीजिए कि वो ये ना कहें कि मेरे वाला वैसा नहीं है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मैं अपने मां बाप के सम्मान को कहीं भी झुकने नहीं दूंगा, बल्कि अपने द्वारा अपने मां बाप का सम्मान ऊंचा करूंगा। ऐसा ज्ञान, ऐसा समाज, ऐसी समझ, ऐसी नॉलेज, ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, आप सबसे आग्रह करता हूं। और आज आपसे भी एक बात पूछता हूं, आप उस बेटी के लिए आवाज उठाओगे कि नहीं? कौन कौन चाहता हम उस बेटी की आवाज उठाएं? 35 टुकड़ों में से एक टुकड़े की आवाज तो तुम उठा ही सकते हो, हाँ या ना? जो जो उठाना चाहते हाथ उठाओ। कोर्ट, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, यहां वहां जहां तहां हाथ उठा के रखो ऊंचा। इन सब से व्यासपीठ आग्रह करती है उस कातिल को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो श्रद्धा को तो शांति मिले, लेकिन आने वाले समय में श्रद्धा जैसा दूसरा कांड ना हो सके, ऐसा सबक भी मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कौन कौन एग्री है? धन्यवाद। आज हम उस बच्ची के लिए एक मिनट का मौन रखेंगे, मेरे साथ रहोगे? और ये सोच के कि वो बेटी किसी और की नहीं, सनातन की बेटी थी, वो हम सब की बेटी थी, उस श्रद्धा के लिए एक मिनट का मौन हम सब रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। राधे राधे। राधे राधे। क्या करूं, मेरे ब्लड में ऐसी है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब भी हमारे बच्चों के साथ कोई गलत कार्य होता है। तो आपका धन्यवाद कि आप इसमें सम्मिलित हुए, बहुत बहुत साधुवाद।